किस तरह से हम लोग का पूजा हो रहा है। तो ये तीन जगह जो है ना पत्थर, हम लोग सबसे पहले जो नया पत्ता होता है उसको रखते हैं। और ये मम्मी बनाई है चावल का मिठाई बनाई है। ये क्या बनाया है मम्मी? पकौड़ी गुलगुला धुसका, क्या बोलते हैं इसका, चावल का मीठा रोटी बना रही है, लाइक ऐसा जैसा कुछ है। तो वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले नमस्ते, जोहार और प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी सुबह सुबह हम आ गए किचन में, नाश्ता वास्ता सब बना लिए हैं हम, और सुबह सुबह काम मिला है क्योंकि आज है हम लोग का सरहुल। तो सरहुल का जो उपवास है वो वाला दिन है, तो आज क्या क्या करेंगे वो आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको काम मिला है, दिखाते हैं आप लोग को फटाफट से। ये चावल मम्मी धो करके दी है और इसको बोली है पीसने के लिए, तो इसको हम पीसते हैं अभी और देखते हैं उसके बाद क्या क्या बनाएगी मम्मी इसका। इसको आज चढ़ाना है, तो सबसे पहले आज कुछ पकवान बनाती है मम्मी, उसको चढ़ाना होता है, तो वो हम नहीं करेंगे, चेरी के डैडू करेंगे। तो उसको पीसेंगे और फिर मम्मी अभी उसको कुछ बनाएगी, पता नहीं क्या बनाएगी, हमको भी नहीं आइडिया नहीं है। तो मम्मी बनाएगी तो उसके बाद में फिर पूजा वूजा होगा, तो सब आप लोग को दिखाएंगे कि आज क्या क्या हम लोग करते हैं सरहुल के दिन में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, देख के बस ऐसे पार हो जाते, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस चावल थोड़ा सा सूखा ही है, देखते हैं पिसाता है कि नहीं पिसाता है, क्योंकि पानी नहीं डालना है इसमें, मम्मी बोली है इसको ना सूखा सूखा पीसना है पिछले तरह के जैसा ना हो जाए, जार अटक ना जाए, पिसाए नहीं है ना, पता चले जबरदस्ती पीस रहे मम्मी इसको, दररर करके दररर वाला पीसना है। मी ही करना है, मी ही करना है गाइस। तो इसको फटाफट से देखते हैं, होना चाहिए इसे, तो ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। तो गाइस फाइनली ये देखिए, ये पिसा गया है पूरा अच्छा सा, एकदम पाउडर तो नहीं बन पाया लेकिन देखते हैं, इससे ज़्यादा तो पिसा नहीं रहा है। मम्मी आएगी तो पूछेंगे, भी मम्मी है नहीं तो हम पीस लिए हैं, इसको भी रख देते हैं। तो आज है गई सरहुल पर्व हम लोग का, हम लोग का जो आदिवासी सरना धर्म जो लोग मानते हैं उन लोग का आज है पूजा। सब तरफ सब जगह अलग अलग होता है, सब गांव में ऐसे तो है। रांची में 11 तारीख को जुलूस निकलेगा, बट हम लोग का आज 9 तारीख है, तो 9 तारीख को हम लोग के यहाँ पूजा है, उपवास है। तो आज सुबह से ही हम लोग थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो मम्मी इधर लिप रही है, तो चलिए दिखाते हैं। और पूजा रूम जो है वहाँ पर लिप रही है और उसके बाद में पूजा होगा। और तो गाइस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को हम लेकर के आने वाले हैं और आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये देखिए, ये हम लोग का पूजा घर है, तो हम लोग का जो आदिवासी लोग का उरांव लोग का जो नियम धर्म है ना थोड़ा अलग है, ये अंदर घर है तो इसी में हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग का जो पूजा पाठ होता है ना वो जमीन में नीचे में हम लोग पूजा करते हैं, धरती माँ को पूजा करते हैं, धरती माँ के ऊपर में जो भी कुछ है वो चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी इसीलिए लीप रही है, यहाँ पे लीपेगी, उसके बाद में हम लोग का पूजा होगा। तो देखिए हम लोग का सब तरफ नहीं दिखा रहे, बस जहाँ पे पूजा होगा ना वहीं पे दिखा रहे। मम्मी यहाँ पे लीप रही है, एकदम चिकना देगी, उसके बाद में थोड़ा सा सूखेगा तब पूजा होगा। तो देखिए किस तरह से लीप रही है, तो गाइज आज के दिन ना जो सखुआ का जो पत्ता होता है, नया पत्ता जो उगता है ना उससे हम लोग का पूजा होता है। तो हम लोग बाजार गए थे लेने के लिए, और ये देखिए ढेर सारा हम लोग पत्ता खरीद करके पूजा के लिए ले आती। गाइज तो मम्मी इधर पकवान बनाने स्टार्ट कर दी है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या बना रही है। तो ये रही मम्मी, और ये रहा चावल और गुड़ को एकदम मिक्स करके रखी है, पेस्ट बनाई है जो भी, और इधर चढ़ा दी है। ये क्या बनाया है मम्मी? पकौड़ी गुलगुला धुसका, क्या बोलते हैं इसका, चावल का मीठा रोटी बना रही है, लाइक ऐसा जैसा कुछ है।
तो वो मम्मी बना रही है इधर, उसके बाद इसको ही चढ़ाएंगे हम लोग पूजा में। तो मम्मी बना रही है फटाफट से, देखिए मम्मी को मम्मी को भी दिखा दे रहे हैं। और ये देखिए अभी जल्दबाजी में पूजा करने के लिए बस बना रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो गाइज अभी मम्मी पूजा करने के लिए दोना सिल रही है, तो चलिए दिखाते हैं मम्मी को कैसे दोना सिल रही है। तो ये देखिए गाइज, तो ढेर सारा हम लोग सखुआ का पत्ता लाए हैं, सखुआ का पत्ता से दोना मम्मी बना रही है हड़िया चुवाने के लिए हड़िया चढ़ाएंगे उसके लिए, दोना सिल रहे ना मम्मी, हड़िया तो पानी, हड़िया पानी पकवान जो जो चढ़ेगा उसके लिए मम्मी दोना सिल रही है। देखिए इसको क्या दोना बोलते हैं मम्मी, दोना का भी नाम रहता है इसको? पीछे घुमाते हैं ना इसको। तो गाइस मम्मी दिखा रही है किस तरह से दोना सिया जाता है, ये सखुआ का पत्ता, और पीछे मोड़े ना मम्मी, पीछे मोड़ना है एक साइड इधर से भी, और एक बीच में ही टिप देना है ना पकड़ के। अच्छा इधर से और इधर एक बार, और एक बार पीछे ना, बस हो गया ना। तो गाइज हम लोग का पूजा जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सब लोग का नियम धर्म अलग अलग होता है, तो हम लोग अपना जो पूजा है जो जो लगता है शुरू से जैसा चढ़ते आया है वही दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए तो किस तरह से हम लोग का पूजा हो रहा है। तो ये तीन जगह जो है ना पत्तल, हम लोग सबसे पहले जो नया पत्ता होता है उसको रखते हैं, और ये मम्मी बनाई है चावल का मिठाई बनाई है पकवान, उसको तीन जगह रखना होता है, तो ये उसके ऊपर में रख रहे हैं। बाकी आप लोग देखिए किस तरह से कर रहे हैं। और ये गाइज है हड़िया और पानी बस, और यही तीनों चीज से पूजा होता है हम लोग आज के दिन में। तो ये पूजा कर रहे हैं देखिए आप लोग। गाइस पूजा हो गया है कंप्लीट, हम लोग का इसी तरह से पूजा होता है सरहुल में, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। तो पूजा जो था हम लोग का ये पूजा जो है ना हम लोग का पूर्वज लोग जैसा करते आया है, जो जो पहले चढ़ता था उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले पापा जी थे तो पापा जी करते थे, अब नहीं है तो ये करते हैं जैसे पापा जी करते थे वैसे ही, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें अब खुद से ऐड नहीं कर रहे हैं। पहले से जो चढ़ाया जाता था बस वही हम लोग चढ़ाए हैं, और ये हो गया हम लोग का आज का पूजा कम्प्लीट, और आगे क्या करेंगे वो भी दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी तो पहले भूख लग रहा है हम लोग को गाइस बहुत जोरों का, तो हम लोग नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे नहीं खाए पति देव तो हम भी नहीं खाए हैं, तो हम भी नहीं खाए हैं, और 12 बजने वाला है, तेज का भूख लग रहा है गाइस, आप लोग जान सकते हैं मेरा पेट पापी पेट का सवाल है। तो ये नहीं खाया है तो इसलिए हम भी थोड़ा सा पतिनी धर्म निभा रहे थे गाइस, नहीं खाए थे तो हम भी नहीं खाए हैं। अभी जा लेते जा रहे हैं, अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे है ना। चलिए निकाले पहले खा लेते हैं, उसके बाद अब जो बोलना है सब खाने के बाद। 12 बज गया है, ऐसे भूख मिट गया है मेरा, भूख मिटा नहीं है गाइस भूख लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करेंगे, चेरी को सुला दिए हैं देखिए किस तरह से उठ गई पूजा करने के टाइम में, ये देखिए चेहरे को कैसे सुला दिए सोफा में, यार खेल रही है, उठ गई पूजा करने, रो रही थी तो ये देखिए सोफा में कैसे ये खेल रही है, इसको सुला दिए पूजा करने टाइम ही उठ गई थी और रो रही थी है ना बेटा, और सोफा में लेटा दिए और खेल रही है। हेलो बोलते तो हेलो गाइस, तो ये तो खेलते रहेगी, हम जा रहे नाश्ता अभी निकालने के लिए।